वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की सारी अहम खबरों के बारे में आप तक समक्ष जानकारी पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से, सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे रिपोर्टर जो कि ग्राउंड जीरो से हर एक राज्य से अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं और आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास आज उस राज्य में रहने वाला है, किस तरीके से आज पूरे दिन की खबरें किस ओर घूमती नजर आएंगी, किस तरह के यहां पर जो मुख्य विषय हैं उस पर आज क्या कुछ प्रदेश में होने वाला है, उन सभी पर विस्तार से आपको जानकारी देते रहेंगे। इसी बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अनिल नेताम हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनिल, क्या कुछ खास रहने वाला है आज दिन भर? जी सिंह, आज आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ में सबसे जो खास रहने वाली, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभाओं में दौरा आज से उनका आरंभ हो रहा है। आज वे सरगुजा संभाग के अंबिकापुर से जो है उनका दौरा का शुभारंभ होगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ के सीएम जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे जो छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा है उन हर एक विधानसभा में जाएंगे, वहां पर एक दिन का समय रहेगा उनका। इस दौरान वे जो है जिले में जो है विभिन्न संगठनों समाज विधानसभा में जो है विभिन्न जो है सामाजिक संगठन हो गए, राजनीतिक जो पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि है उनसे मुलाकात करेंगे और जो है जो शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनका चिरवरण को लेकर वे है जो है समीक्षा करेंगे, देखेंगे किस तरह से जो है आम जन को जो है उनके जो योजनाएं हैं सरकार की जनकल्याणकारी वो किस तरह से पहुंच रहे हैं। साथ ही बात करें अन्य खबर और अदर खबर की, तो जो है आज केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद साय जो है छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहेंगे। वे लगभग 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे, तो वहीं बस्तर संभाग के जो बीजापुर जिले पे जहाँ पहुंचकर वहां पर वे सामाजिक संगठनों से चर्चा करेंगे, जनप्रतिनिधि से चर्चा करेंगे और जिले में हो रहे विकास कार्यों पर देखेंगे, नजर डालेंगे वहां पर किस तरह से जो है जिले में विकास कार्य हो रहे हैं। अनिल, और भी कुछ अहम खबरें आज की रहने वाली? जिस तरीके से देखिए सीएम भूपेश बघेल के आपने बताया किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला, उसके इंतजाम किस प्रकार से हो रखे हैं? जी देखिए, भूपेश बघेल जी का जो है आज विधानसभा जो दौरा है वह उसको लेकर जो है तैयारियां भी काफी जोरों शोरों पर है। इसमें खास बात यह है कि जो विधानसभा जो है जहां पर जो कलेक्टरों को भी जिम्मेदारी है तो कहीं पर डिसाइड नहीं किया गया कि सीएम कब कहां पर कौन सी जगह पर पहुंचेंगे। इसके साथ देखना ये होगा कि जो है कुछ समय पहले ही लोगों को जानकारी होगी कि कहां पर वो पहुंच रहे हैं, लेकिन आज उनका जो दौरा है प्रारंभ हो रही है। आज जो है सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जिले से जो अंबिकापुर विधानसभा जो पड़ता है, आज बहुत अहम कार्यक्रम होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक बार आप फिर से यहां से आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां से हमारे संवाददाता बन गए हैं और वो आज बताएंगे कि क्या कुछ आज अहम रहने वाला है। तो योगेश सेमवाल हमारे साथ बन गए हैं उत्तराखंड से। योगेश, क्या कुछ खास आज उत्तराखंड में रहने वाला है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड की बात करें तो अभी हम जो हैं वो पंचूल में जो हैं वो मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका गांव है। अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत वो उत्तराखंड में मौजूद हैं। कल आ गए थे यहां पर, जिस तरह से हमने लगातार दिखाया है कि कैसे उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में कल प्रतिभाग किया था, उसके बाद अगर बात करें तो आज भी वो अपने गाँव में ही पैतृक गाँव में मौजूद हैं। और थोड़ा सा गाँव का नज़ारा आपको दिखाते हैं। उनके गाँव की अगर हम बात करें तो अभी वो अपने गांव में मौजूद हैं और गांव में आज मुंडन संस्कार में वो आए हैं। उनके छोटे भाई के बेटे का मुंडन संस्कार है और उसके लिए वो अपने गांव में पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद पहली बार आज वो अपने गाँव में पहुँचे हैं। बहुत उत्साह है उनके गाँव में। उनके परिवार से जब वो मिले, कल जब एक फ़ोटो सामने आई जब माँ का उन्होंने आशीर्वाद लिया, वो माँ जिसने कई सालों बाद उन्हें देखा, जब उसका आशीर्वाद लिया तो वो भावुक हो गई थी। तो इसी तरह से पूरा परिवार उनका भावुक हो रखा है। वो लगातार आज जो है वो लोगों से मिल रहे हैं जो लोग उनके परिवार के हैं, क्योंकि निजी कार्यक्रम है, पूरी तरह से निजी कार्यक्रम है ये। और उस निजी कार्यक्रम में वो अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। हाई सिक्योरिटी है, बहुत जो है लोग दूर दूर से उन्हें मिलना चाहते हैं, आ भी रहे हैं लगातार, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस जो परिवार के लोग हैं खासतौर पर जो उनके अपने लोग हैं उन्हीं को सिर्फ इजाज़त दी जा रही है, जिनको निमंत्रण दिया गया है कि वो मुंडन कार्यक्रम में आए उन्हें ही जो है सिर्फ
यहाँ पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो योगी के रंग में ये पूरा का पूरा उनका गांव जो है वो रंगा हुआ है। आप देख सकते हैं पहाड़ों में जिस तरह से खूबसूरत गांव होते हैं, सीढ़ीदार खेत होते हैं, और उसी तरह से उनका भी गाँव है, सीढ़ीदार खेत हैं, गाँव में जो है लोग हैं, और हर कोई आज आस पड़ोस के गाँव के लोग भी उनको जो है वो देखना चाहते हैं। कल भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे, और उसी तरह से आज भी बड़ी संख्या में लोग, मुलाकात तो उन्हें नहीं करने दी जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। अगर बात करें लोकल सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, एनएसजी की सिक्योरिटी यहाँ पर है क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उनकी सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह से हम बात करें कि पूरा गाँव जो है आज योगी रंग में ही रंगा हुआ है, हर कोई, अगर हम आस पड़ोस की बात करें तो हर कोई सिर्फ बात कर रहा है योगी कि क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। लेकिन कार्यक्रम आज उनके जो है कई सारे कार्यक्रम है, उसके बाद अगर बात करें मुंडन जो संस्कार कार्यक्रम है, उसके बाद वो आज अपने कुल देवी देवता जो मंदिर है उस मंदिर में भी जाएंगे, पूजा अर्चना वहां पर करेंगे। आज के कार्यक्रम यही है, और जो हमारे पास जानकारी है आज शाम वो यही रहेंगे, यानी आज रात्रि विश्राम आज फिर वो जो अपने गाँव में ही करेंगे, और उसके बाद कल जो है वो हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे जहाँ पर परिसंपत्ति के बंटवारे को लेकर बैठक है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बीच में। जी बिल्कुल योगेश्वर, इसके अलावा अगर बात की जाए अगर खबरों की, तो चारधाम यात्रा को लेकर के किस तरह की अपडेट? बिल्कुल, चारधाम यात्रा को लेकर भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। जब हम चारधाम यात्रा की बात करते हैं तो दो साल चारधाम यात्रा जो है, एक साल तो बिल्कुल नहीं हो पाई थी, और दूसरे साल जो हुई थी तो बहुत ही सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को जाने का मौका मिला था। भगवान बद्री विशाल हो, बाबा केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, उनके दर्शन करने के लिए बहुत कम समय मिला था। लेकिन इस साल पूरी तरह से यात्रा जो है वो खुल रखी है, भले ही यात्रियों की सीमित संख्या कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके जो सीमित संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, और उत्साह लोगों में है बड़ी संख्या में। अगर हम बात करें तो अगर ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो पूरी तरह से फुल हो रखा है, क्योंकि जब हम चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं तो जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो लोग उत्तराखंड में आते हैं पड़ोसी राज्यों से, तो सबसे पहले हरिद्वार और ऋषिकेश में ही ज़्यादातर रुकते हैं, तो वहाँ बिल्कुल फुल वो जो है हो रखा है, क्योंकि वहाँ पर कोई सीमित संख्या नहीं है, हर कोई अपने दिन का इंतजार कर रहा है कि कब उनका नंबर आएगा, कब वो चारधाम यात्रा के लिए जाएंगे। तो काफ़ी उत्साहित हैं लोग चारधाम यात्रा को लेकर। कल जिस तरह से गंगोत्री के कपाट खुले तो हर कोई अब गंगोत्री की तरफ जाना चाहता है, बाबा केदार के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, बद्री विशाल के भी कपाट खुलने जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी लोग उत्साहित हैं, लगातार लोग आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभी तक जो हेली सेवा है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है, और लगातार लोग जो है वेबसाइट में जाकर अपने लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि हमें भी आप हेली सेवा में जो है मौका दीजिए, हम जाना चाहते हैं हेली सेवा से, और लगातार होटल्स बुक हो रहे हैं, यानी कि काफी उत्साहित हैं आज अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें उसको लेकर। जी बिल्कुल योगेश्वर, बहुत सारी अहम खबरें जिसका आपने जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से हमारे साथ विनायक गुप्ता जुड़ गए हमारे संवाददाता। विनायक, क्या कुछ खास आज उत्तर प्रदेश में रहने वाला है? जी, आपको बता दूं कि एक तो कोरोना के मामले जो है गौतम बुद्ध नगर में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर 24 घंटों की बात करें तो 170 केसेस जो है सामने निकल करके आए हैं, जो पूरा आंकड़ा है वो 741 के करीब पहुंच गया है। वहीं अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में दूसरी चीज ये है कि नोएडा प्राधिकरण ने एक सख्त पहल चालू की गई है। अगर गौतम बुद्ध नगर में, अगर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जितने भी गौतम बुद्ध नगर में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनके जो उपचार करने के लिए अगर किसी ने रोका तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने निर्देश दिए जा रखे गए हैं। वहीं अगर बात करी जाए, तीसरी बड़ी खबर बात करी जाए, तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर में जो ट्रैफिक सिस्टम है उसमें सुधार करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एक पहल चालू की है। पूरे गौतम बुद्ध नगर के अंदर में जो है 1000 से ज़्यादा जो है कैमरे लगाए जाएंगे, और पूरी जो गौतम बुद्ध नगर जिला है वो पूरा कैमरे की निगरानी में रहेगा, जिससे कि कहीं पे भी कोई आपराधिक गतिविधियां है या यातायात व्यवस्था को लेकर बात करी जाए या अन्य चीजों को लेकर के बात करी जाए तो वो साफ तौर पर देखा जा सकेगा। इसका जो है पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो जो है 94 में बनाया गया है, और पूरा सेटअप जो है वहीं से चलाया जाएगा। अभी फिलहाल जो है आज से जो है 20 कैमरे जो है अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, जिसका ट्रायल आज से शुरू हो गया है, और साथ ही साथ एक हफ्ते का ट्रायल रखा गया है। उसमें मालूम पड़ेगा किस तरीके से ये कैमरे काम कर रहे हैं, कितनी क्वालिटी के हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में अभी फिलहाल ये 3 बड़ी चीजें आने वाले समय में देखते हैं कि कुछ और भी बड़ा निकल के सामने। चलिए ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनायक। और यहाँ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं झांसी, जहाँ से हमारे संवाददाता विवेक रजौरिया बने हुए, जो कि बताएंगे आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है। तो विवेक, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? बिल्कुल सीमा, बात करें आज के दिन की, तो आज अनुप्रिया पटेल जो है झांसी आई हुई है, जो कि अपने कार्यभार के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ जो स्थलीय और समीक्षा बैठक करेंगी। इसके बाद वह चल रही योजनाओं परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए निकलेंगी। उसके बाद 7 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का झांसी का दौरा है, जो कि लगभग 3:50 पर झांसी आ जाएंगे और उसके बाद शाम 5:30 बैठकर अपने समीक्षा बैठक कानून व्यवस्था को लेके एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और रात्रि विश्राम योगी जी का झांसी ही रहेगा। उसके बाद अगले दिन 8 को यहां से निकलकर योगी आदित्यनाथ सीधे ललितपुर पहुंचेंगे। और विवेक, जिस तरीके से देखिए और भी खबरें यहाँ पर सामने आ रही है, यूपी बोर्ड को लेकर के सबकी नजरें बनी हुई है, यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स कब तक आ रहे हैं? बिल्कुल सीमा, बात करें यूपी बोर्ड के रिजल्ट की, तो अभी ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर जो है लागू नहीं की गई है, लेकिन जो बताया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जैसा भी आदेश और अनुपालन जो मिले हैं, वो स्थिर तौर से बता दिया गया है कि जिस तरह से यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जैसे ही आएगा, उसका जो भी प्रोटोकॉल, जो भी एजेंडा होगा, वो जानकारी के मुताबिक दे दिया जाएगा। और यहाँ पर विवेक, अगर पूरे प्रदेश में कोरोना की हालातों की बात की जाए, तो आज खबरों के लिहाज से कोरोना के आंकड़े किस प्रकार? बिल्कुल सीमा, बात करें कोरोना की, तो कोरोना को लेकर झांसी जनपद में पूर्ण रूप से जो सख्ती है, स्वास्थ्य विभाग की पूर्ण रूप से सख्ती दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ अगर आंकड़ों की बात करी जाए, तो झांसी जनपद में आए दिन जो कोविड की जांचें होती हैं, लगभग 1-2 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोविड के जो आंकड़े हैं वो झांसी में गिरावट की ओर है और कम देखने को मिल रहे हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विवेक। और इसी बीच बस्ती से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा नेता की अवैध संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। महेश सिंह कलहंस की संपत्ति पर प्रशासन की नजर, 2 पेट्रोल पंप को जिला पूर्ति अधिकारी ने किया सील, तय मानकों का उल्लंघन कर रहा था पेट्रोल पंप, जल्द चल सकता है जिला प्रशासन का बुलडोजर। जोगिया गाँव में दर्जनों एकड़ अवैध जमीन पर भी नजर। समाजवादी पार्टी के गौर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख और सपा के मठाधीश महेश सिंह कलहंस पर अब जिला प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। कई मुकदमों से लैस महेश सिंह गौर थाने के हिस्ट्री सीटर हैं, जिनकी हिस्ट्री सीट खोल दी गई है। इसके अलावा उनके 2 पेट्रोल पंप को जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच कर सील कर दिया है। जांच में पेट्रोल पंप को चलाने के जो मानक होते हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इसके अलावा डीएम के आदेश पर प्रशासनिक टीम ने सपा नेता महेश सिंह की अवैध संपत्तियों की जांच भी करवाई, जिसमें अनेक अवैध अकूत संपत्तियों का खुलासा हुआ, जिसके गैर ब्लॉक के गौर ब्लॉक के प्रमुख महेश सिंह और उनके भाई गणेश सिंह पर जल्द ही जिला प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। महेश और गणेश के डुहवा और हरैया पेट्रोल पंप को प्रशासन ने फिलहाल सबसे पहले सीज कर दिया है, जबकि गौर ब्लॉक के ही डुहवा और जोगैया गांव में दर्जनों एकड़ अवैध जमीन कब्जा करने के मामले भी, उस पर भी अब जांच चल रही है। इसके अलावा कब्जा किए गए अवैध संपत्ति में पेट्रोल पंप और डुहवा में स्थित ढाबा तालाब के किनारे निर्मित है और गौर बाजार के सरकारी जमीन में निर्मित 12 दुकानें भी शामिल हैं, जिस पर जल्द ही जिला अधिकारी के निर्देश पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कराया जाएगा और सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त भी कराया जाएगा। जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों पे जांच हो रही है, उसी के क्रम में इनके पेट्रोल पंप की भी जांच हुई थी और अनियमितता पाए जाने पर उनके पेट्रोल पंप को सील किया गया। और इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ रत्नेश्वर मिश्रा हमारे संवाददाता बस्ती से हमारे साथ जुड़ गए। रत्नेश्वर, किस तरह की अपडेट इस खबर पर सामने आ रही है? जिन जिन जमीन को, जिन जिन पेट्रोल पंप को अभी जब्त किया गया, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया? सीमा, आपको बता दूं, योगी सरकार 2 के आने के बाद ज्यादातर अपराधियों और भूमाफियाओं के ऊपर योगी सरकार एकदम की टेढ़ी नजर है। उनके अवैध संपत्ति, जो इन्होंने अवैध संपत्ति से कमाकर और संपत्ति खड़ी की, उसको
बाबा का बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। इसी क्रम में बस्ती जिले में महेश सिंह कलहंस जो सपा समाजवादी पार्टी के मठाधीश नेता हैं और ये गौर ब्लॉक के लगभग 30 सालों से ब्लॉक प्रमुख के इनकी सीटों पे धौंस थी और ये जीते उसी से कमा के जाकर दो नंबर के धंधे से इन्होंने कई सरकारी जमीनों पर इन्होंने पेट्रोल पंप और ढाबे खोल रखे, दर्जनों दुकानें हैं इनके पैकुलिया थाना पैकुलिया में थाने में इनके लगभग तकरीबन एक दर्जन मुकदमे, हत्या करने के प्रयास, 420 कई ऐसे मुकदमे जो दर्ज हैं। इसी क्रम बस्ती जिला प्रशासन इनके ऊपर सख्त हो गया, इनकी हिस्ट्री शीटर जो इनकी फाइलें हैं खुल चुकी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन एकदम मुस्त हो गया है। जल्द ही जल्द इनके जो ढाबे हैं दर्जने दुकानें हैं वहीं इनके भाई गणेश सिंह जो है जो बिल्डिंग कमलसिया में जोगिया में बिल्डिंग जो खड़ी करके जल्द ही जल्द बस्ती जिले का जिला प्रशासन जो बुलडोजर है बाबा का बुलडोजर इनके बिल्डिंगों पे गरजेगा और उनको जमींदोज करेगा। जी बिल्कुल रत्नेश्वर, और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई करती पुलिस नजर आ रही है, इसके बाद और क्या कुछ खबरें और कौन कौन सी जमीन है उनकी जिस पर कार्रवाई करती और सील करती यहाँ पर प्रशासन नजर आएगी? जी सीमा आपको बता दें जो महेश सिंह के भाई है गणेश जो कौलसिया में इनकी जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें हैं, बिल्डिंग लगभग दो तल्ले की चमचमाती बिल्डिंग है और कई एकड़ जमीन है जो जिसपे दुकानें बनाकर दुकान बनाकर चला जा रहा है। वहीं पेट्रोल पंप के बगल में जो डुहुआ महेश सिंह का जो आवास उनके बगल में उनके भाई गणेश सिंह का जो पंप है डुहुआ में वहाँ बगल में जो तालाब में स्थित एक ढाबा है उन सब ढाबों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा, जल्द ही जल्द बाबा का बुलडोजर जो है उसको जमींदोज करेगा। जी सीमा बिल्कुल, और जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है आपराधिक मामलों पर, ऐसे में जो और भी अतिक्रमण यहाँ पर सामने आ रहे हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जिले में अभी जिला जो डीएम सौम्य अग्रवाल ने बताया लगभग एक हफ्ता बीते कई एकड़ जमीन को जो जिसपे भूमाफियाओं द्वारा खाली करा गया और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जीएम सौम्य अग्रवाल के अलाउंस करने के पहले ही कुछ भूमाफिया जो थे जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए थे उनको खाली करा लिया गया है और कहा गया है कि जो अब जो बाबा का बुलडोजर चलने के पहले अगर आप सरकारी जमीन पर कब्जा करें उसके पहले सख्त हो जाए। जी डीएम बिल्कुल, और जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य होता नजर आ रहा है यही काफी ज्यादा साकार हो ये कार्य, यही भी देखने वाली बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रत्नेश्वर। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।